बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा, जो क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाते हैं आज हम बताते हैं आपको। आइए देखते हैं साबूदाना वड़ा कैसे बनाते हैं। यह मैंने साबूदाना लिया है एक कटोरी, जो मैंने 2 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। 2 घंटे बाद मैंने इसे छन्नी में डालकर आधा घंटा रख दिया था। ये मैंने 3 आलू लिए हैं, जो मैंने पहले ही कुकर में डालकर सीटी ले ली थी बॉईल किए हुए। ये मैंने भुनी हुई सेंग ली है आधा कटोरी। मैंने पुदीना लिया है, कोथमीर आधा कटोरी, ये आप कितना भी ले सकते हैं। ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कट करी हुई। ये चीज़ है, आपके पास रहेगा तो डालिए, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया है, इसके लिए टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ये मैंने लिया है नमक। ये मैं आपको बताऊँगी कितना कितना डालना है आगे। अब मैंने एक बॉल लिया है, उसमें जो भीगे हुए साबूदाने थे मैंने उसे एक बॉल में निकाल लिया है। अब हम जो बॉईल किए हुए आलू थे डाल देंगे और अच्छी तरीके से आलू डालने के बाद उसे हम मैश करेंगे। ये हमने आलू डालकर अच्छी तरीके से हमें इसे मैश करना है। देखिए आलू कुछ भी अखा आलू रहना नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम हल्दी पाउडर, नमक आधा चम्मच नमक, और ये हरी मिर्चें ली है मैंने, ये आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जिसको जितना आप तेज़ खाते हो उतने मैंने हरी मिर्चें ली है। ये कोथमीर पुदीना लिया है, ये मैंने सेंग को, जो आपको मैंने सेंग बताई थी भुनी हुई, उसको मैंने दरदरा पीस लिया है, वो भी हम डाल देंगे। ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, और इसको अच्छी तरीके से अब हमें मिक्स कर लेना चाहिए। जैसे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए सब मसाले और साबूदाना अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, देखिए ये हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। अब इसके राउंड राउंड हम बॉल बनाने वाले हैं। देखिए ये हो चुका है, अभी हम आराम से बॉल, छोटे छोटे बॉल्स बनाकर उसे वड़े का शेप दे देंगे। गोल गोल शेप बनाकर आप वड़े तैयार कर लीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। मेरे और भी रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहूँगी। ऐसे शेप बना के गोल गोल शेप बनाइए और इस तरीके से वड़े आप तैयार कर लीजिए। देखिए साबूदाना वड़ा जो होता है ना, गर्मियों में ज़्यादातर खाया जाता है, क्योंकि साबूदाना ठंडा होता है तो गर्मियों में ज़्यादा लोग इसे ये करते हैं। उपवास में भी हम इसे खा सकते हैं। देखिए मैंने ये वड़े तैयार कर लिए, आइए इसे फ्राई करते। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तेल डाला है, तेल गर्म हो चुका है। अब मैं उसमें वड़े छोड़ते जाऊंगी। देखिए मैंने वड़े डाल दिए, एक एक करके आप इसमें सब वड़े डाल दीजिए। इस तरीके से मैंने सारे वड़े डाल दिए हैं। पहले आप उसे मीडियम फ्लेम पे ही, मीडियम फ्लेम पे आप उसे दोनों तरफ से पका लेंगे। जैसे एक तरफ से हल्का ब्राउन हो जाए तो उसे पलट लीजिए। देखिए मैंने पलट कर अच्छा पका लिया है। अब दूसरी तरफ से भी मैं पलट कर देखूंगी कि हल्का ब्राउन हुआ है कि नहीं। देखिए ये मेरे बड़े देख सकते हैं आप, ना बिल्कुल चिपक रहे हैं ना कुछ, ना तेल में वड़े का ज़रा भी लगा है। देखिए आप, अच्छे से मेरे बड़े बनकर क्रिस्पी वड़े तै चुके हैं। अब मेरे वड़े तैयार हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आइए छन्नी की मदद से आप सब वड़ों को इस तरीके से प्लेट में निकाल लीजिए।